आठ, 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए ये व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप नंबर पर। बस अपने फ़ोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की, आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकेंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT JEE नीट CBSE बोर्ड और सभी स्टेट्स बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू टू अवर यूट्यूब चैनल पेरी स्टडी ऑनलाइन। क्लास 7, टॉपिक चल रहा है अपना ट्रायंगल्स, एक्सरसाइज 10.1। आज आप करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6, 7 ते 8। क्वेश्चन नंबर 5 तक आप ऑलरेडी कर चुके हैं, जिन्हों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के विच है। आज आप स्टार्ट करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 तो। क्वेश्चन नंबर 6 की कह रहे हैं, इन ट्रायंगल ABC द रेशियो ऑफ एंगल BAC, अपन एंगल गिवन है BAC, रेशियो अपने को की है एंगल ABC, इन्हों दोवों का रेशियो कितना अपने को 6:7, तो एंगल सी की वैल्यू दी अपन 50 डिग्री। आप सारे एंगल की करने हैं फाइंड करने, ओके। एक ट्रैंगल गिवन है, ट्रैंगल का नेम अपने को की है ABC, अपन जो ट्रैंगल दी है उनका नेम की है AB ते C। हम आप देखते हैं कि एंगल गिवन है, एंगल है BAC। BAC का मतलब बी तो स्टार्ट होंगे, बी तो एंगल बनना स्टार्ट होंगे, ए दे उपर जाके पूरा होंगे, तो सी दे उपर जाके की है खत्म होंगे। मतलब ए वाला एंगल ए किन्ना अपने को 6x, क्योंकि इनका रेशियो किन्ना है 6, दूजे का किन्ना 7। दूजा की है ABC, मतलब ए वाला एंगल किन्ना अपने को 7x, तो लास्ट अपने को एंगल सी की वैल्यू किन्नी है 50 डिग्री। यही है अपने को, ठीक है। दो एंगल है जिन्हों का रेशियो गिवन है, एंगल ए का एंगल बी का रेशियो गिवन है 6:7, तो आप लिख लिया 6x ते 7x। सी की वैल्यू गिवन है अपन 50 डिग्री, आप वैल्यू फाइंड करनी है ए ते बी की कितनी आएगी। तो आप लेट करते हैं, लेट एंगल ए इक्वल टू 6x, एंगल बी इक्वल टू कितना आ गया 7x, ए ते बी आ गया अपने को। हम ट्रैंगल के तीन एंगल का सम कितना होंगे, आप बहुत बारी पढ़ चुके हैं, ट्रैंगल के तीन एंगल का सम 180 होंगे, 180 डिग्री होंगे। तो अपन लिखना किवें आ, इन ट्रैंगल ABC प्रॉपर लिखना है, क्योंकि सबजैक्टिव पेपर के जो क्वेश्चन आते हैं तो अपन प्रॉपर लिखना पैंदा, नहीं तो मार्क्स वगैरह कट होंगे, ओके। सो लिखांगे कि इन ट्रैंगल ABC एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कादे इक्वल है 180 डिग्री। रीजन जरूर दसना है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं पिछले रीजन की होंगे ये आप जरूर दसते हैं। हुण आप लिखिया ट्रैंगल के तीन एंगल का सम 180 डिग्री है, रीजन की दिता आप एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रैंगल, ASP शॉर्ट फॉर्म लिख दिया करो, एंगल सम प्रॉपर्टी। हुण एंगल ए की वैल्यू 6x, बी की वैल्यू 7x प्लस कितना आ गया 50 इक्वल टू की आ गया 180, यही बनया ए की वैल्यू पुट की थी, बी की ते सी की इक्वल टू 180। हुण ए दोवें अपने कोल की ने वेरीएबल, दोवें वेरीएबल है, दोवां विच इंग्लिश वाला लैटर भी सेम है, सो ये दोवें ऐड होणगे, 6 ते 7 किन्ने हो गए 13x, जो प्लस दा 50 है ये कॉन्सटेंट है, सो राइट साइड ते भी कॉन्सटेंट है, कॉन्सटेंट वाला कॉन्सटेंट वाली साइड जांदा है, सो किन्ना आ गया 180 माइनस 50, सो 13x का दे इक्वल आ गया 130। सो अपन की लिखांगे, इंग्लिश वाले लैटर नाल कौन है 13, सो अपन लिखांगे डिवाइड डिवाइड बोथ साइड्स बाय 13, दोवां साइड नू 13 नाल डिवाइड करो, इक्वल टू की आ गया 130 बाय 13, इनू कट कीता, सो एक्स दी वैल्यू कितनी आ गई 10, एक्स दी वैल्यू 10 आ गई। हुण आपां पता करने हैं एंगल ए की आएगा, बी की आएगा, सी की आएगा, सो एंगल ए दी वैल्यू 6x, सो 6 × 10 किन्ना आ गया 60 डिग्री। एंगल बी दी वैल्यू 7x, सो 7 × 10 कितना आ गया 70 डिग्री, ओके। सो आप एंगल ए ते एंगल बी पता करने सी, ए कितना आ गया 60 डिग्री ते बी कितना आ गया 70 डिग्री। हुण तुसी चेक कर सकते हो आंसर अपना सही है या गलत है, सो तिना एंगल नूं तुसी की करोगे ऐड करोगे, जो ऐड करोगे तो कितना बन रहा 180, दैट मीनस अपना क्वेश्चन की है बिल्कुल सही है, ओके। क्वेश्चन की सीगा, दो एंगल का रेशियो दिता सी ए दा ते बी दा 6:7, सी दी वैल्यू गिवन सी, तो आप एंगल सम प्रॉपर्टी यूज करके पूरे क्वेश्चन नूं की कीता सॉल्व कीता, ओके। नैक्सट क्वेश्चन नंबर 7,
क्वेश्चन नंबर 7 भी कुछ 6 हो जाए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है ट्रायंगल। ओके क्योंकि क्लास 9 दे विच ने फिर बहुत तंग करना है, इसलिए इनू ध्यान नाल जरूर समझा जाए। सो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की कह रहा है, इन द ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एंगल इज 375। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਕੁਛ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਗਿਵਨ, ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਏ ਬੀ ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਂਗਲ ਏ ਰੇਸ਼ੋ ਬੀ ਰੇਸ਼ੋ ਸੀ ਦਿੱਤਾ, 3:7 ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5। ਇਹ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ 3:7:5। ਸੋ ਐਂਗਲ ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਗਈ, 3 ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਸੋ 3x ਬਣ ਗਿਆ, ਬੀ 7x ਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5x। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਲੈਟ ਐਂਗਲ ਏ 3x, ਬੀ 7x ਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5x। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ 3 ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਇੱਕ 3x ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ 5x ਹੋ ਗਿਆ, ਦੂਜਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਥਰਡ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, 7x। ਓਕੇ 3x 7x ਤੇ 5x। ਹੁਣ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ 3 ਐਂਗਲ ਦਾ ਸਮ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 180। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇਨ ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਏ ਬੀ ਸੀ, ਐਂਗਲ ਏ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਬੀ ਪਲੱਸ ਐਂਗਲ ਸੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਰੀਜ਼ਨ ਫਿਰ ਅਗੇਨ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਗਈ। ਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 3x, ਬੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 7x ਤੇ ਸੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5x ਇਜ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180। ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ। ਏ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਏ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਏ ਵੀ ਵੇਰੀਏਬਲ। ਵਾਈ ਵੇਰੀਏਬਲ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਲ ਕੰਟੇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਟਰ, ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲਾ ਲੈਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵੇਰੀਏਬਲ। ਸੋ 3 ਤੇ 7 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 10, 10 ਤੇ 5 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 15। ਸੋ 15x ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 180। ਇਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। 15x ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ 180 ਦੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਡਿਵਾਈਡ ਡਿਵਾਈਡ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ ਬਾਏ 15। ਸੋ 15x ਬਾਏ 15 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 180 ਬਾਏ 15। 15 ਨਾਲ 15 ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ x ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 12। x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 12, ਕਿਉਂਕਿ 180 ਨੂੰ ਜਦੋਂ 15 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 12 ਆਉਂਦਾ। x ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਐਂਗਲ a ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, ਦੈਟ ਵਾਸ 3x। ਸੋ 3 × 12, ਸੋ ਐਂਗਲ a 36 ਡਿਗਰੀ, ਐਂਗਲ b 7x, ਸੋ 7 × 12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 84 ਡਿਗਰੀ। 12 × 7 = 84 ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਕੀ ਬਚਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਐਂਗਲ c 5x, ਸੋ 5 × 12 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ ਸੋ ਐਂਗਲ ਏ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 36 ਡਿਗਰੀ, ਬੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 84 ਡਿਗਰੀ, ਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ ਕੁਸਚਨ ਕੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਟ੍ਰੈਂਗਲ ਦੇ 3 ਐਂਗਲ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਗਿਵਨ ਸੀ 3:7:5। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਫਾਇੰਡ ਕੀਤੇ ਐਂਗਲ, ਐਂਗਲ ਏ 36, ਬੀ 84 ਤੇ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60 ਡਿਗਰੀ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 8। ਅੱਜ ਆਪਾਂ 3 ਕੁਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਕੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 8 ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦ ਰੇਸ਼ੋ ਆਫ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਐਂਡ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਆਫ ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਜ਼ 8:5। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਜੋ ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਹੈ, ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਈਸੋਸਕੇਲਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋ ਸਾਈਡ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਏ ਬੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਏ ਬੀ ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਏ ਸੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਏ ਬੀ ਏ ਸੀ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਸਚਨ ਨੰਬਰ 5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖੋ ਏ ਨਾਲ ਇਹ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਕੀ ਬਚਿਆ, ਐਂਗਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਇਹੀ ਬਣੇਗਾ, ਵੈਸੇ ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਏ ਨਾਲ ਏ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਬੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਸੀ ਬਚ ਗਿਆ, ਸੋ ਐਂਗਲ ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਦਾ ਰੇਸ਼ੋ ਕਿੰਨਾ 8, ਇਹ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਸੋ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 5x, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 5x। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਹ ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਐਂਗਲ ਹੈ ਬੇਸ ਐਂਗਲ, ਦੋਵੇਂ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਨਾ, ਆ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਪਿਆ ਦੋਵੇਂ ਐਂਗਲ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੈ ਇਕੁਅਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਲੈਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੈਟ ਐਂਗਲ ਏ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 8x, ਬੀ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 5x ਤੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5x। ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਵਰਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ ਤੇ ਦੋ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਆ ਗਏ, ਦੋਵੇਂ ਬੇਸ ਐਂਗਲ ਇਕੁਅਲ ਕਿਉਂ ਹੈ,
क्योंकि दो साइडा इक्वल है, जो दो साइडा इक्वल है तो उन्होंने ओपोजिट एंगल की होंगे इक्वल होंगे। पता किवें लगेगा? जेकर नहीं पता लगता तो देखो ए नाल ए कट हो गया, बाकी बी बचिया, इतने सी बचिया। एक्चुअल दे विच आपां कट नहीं कर सकते, मैं तो एक सिर्फ याद रखने लई तुहानू दस रहा। ओके, सो हुण इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। रीजन की आ गया, एंगल सम प्रॉपर्टी, यही आ गया। सो ए दी वैल्यू 8x प्लस 5x प्लस 5x इक्वल टू 180, यही बनेगी। सारे की है वेरिएबल, क्यों वेरिएबल है? क्योंकि इन्हां नाल इंग्लिश वाला लैटर है। ओके, सो 13 ते 18, 18x इक्वल टू की आ गया 180। सो डिवाइड बोथ साइड्स बाय 18, दोवां साइड नूं 18 नाल डिवाइड करो। 18 नाल क्यों करना है? क्योंकि इंग्लिश वाले लैटर नाल कौन है? 18 है। सो की बन गया अपने कोल 18x डिवाइड बाय 18 इक्वल टू 180 डिवाइड बाय 18। 18 नाल 18 कट हो गया, सो अपने कोल कट के कितना आ गया? x इक्वल टू 10, x आ गया 10 अपने कोल। हुण आपां सिर्फ एंगल पता करने आ। सो एंगल ए जो वर्टिकल एंगल है 8x, सो 8 इंटू 10 कितना आ गया? 80 डिग्री। एंगल बी 5x, सो 5 इंटू 10 कितना आ गया? 50 डिग्री। एंगल सी ए भी 5x है, सो 5 इंटू 10 ए भी कितना आ गया? 50 डिग्री। ओके, चेक कर सकते हो तिन्नां नूं जो ऐड करोगे कितना बनेगा? 180 बनेगा। ध्यान रखना ये वर्टिकल एंगल होंगे, ये दो केड़े होंगे? बेस एंगल होंगे। ओके, तो यह अपने को वीडियो अपनी मतलब जिंद तीन क्वेश्चन आप डिस्कस किए, एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चन नंबर 6, 7 ते 8। नैक्सट वीडियो के अगले क्वेश्चन करांगे।